मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आकाशवाणी केंद्र माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज 1 जनवरी 2021 है और यह नववर्ष आप सभी बच्चों के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, सुख समृद्धि। ये नववर्ष आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आए और आपने जो सपने अपने लिए सजो रखे हैं उनको सपनों को साकार करने में यह नववर्ष आपकी पूर्ण मदद करे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो स्टूडेंट, आज इस नववर्ष की पावन वेला पर हम अपने पाठ्य पुस्तक क्षितिज के लास्ट पार्ट जो अपना 18 का है और जिसका नाम है टोपी और जिसके लेखक सृजन है, इस टोपी पाठ का हम अध्ययन करते हैं। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए। हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत खा 3 से पाठ 18 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है टोपी। स्टूडेंट, यह नववर्ष आपके लिए ऐसे भी शुभ रह सकता है कि अब तक जो आपकी पढ़ाई बाधित रही है वह पढ़ाई आप अब अपनी पूरी लगन पर मेहनत से करें तो आप इसमें अपनी सफलता पा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब अपने पाठ की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है टोपी। एक थी गौरैया। गौरैया किसे कहते हैं? जो गौरैया होता है ना उसके कहते हैं गौरैया। और एक था गौरा यानी नर जो गौरैया होता है उसे गौरा कहा गया है। तो लेखक बता रहे हैं कि एक थी गौरैया और एक था गौरा, दोनों एक दूसरे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, दिन साथ होते ही खोतों में निकल पड़ते, दाना चुनने और छुटपुटा होते ही खोतों में आ घुसते। इसमें हमें, इस कहानी में हमें लेखक बता रहे हैं कि एक गौरा था और एक गौरैया था, वो दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ में उनका खाना बनता, साथ साथ में वो हंसते, साथ में बातें करते, साथ में दाना चुनने के लिए जाते और सुबह होती वो अपने खोतों से निकल जाते, यानी अपने जो घोंसला है जहाँ बैठने का स्थान है वहां से निकल जाते और खाने के बाद वही लौट आते थे। और मैम सेकंड यूनिट टेस्ट कब से है? क्या सेकंड यूनिट टेस्ट कब से है मैम? ये सेकंड यूनिट टेस्ट आपको डिक्लेयर होते ही बता दिया जाएगा, आप अपनी तैयारी जारी रखें, हो सकता है जनवरी के सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ओके। थकान हट मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते, वो क्या थे, दोनों एक साथ खाते पीते थे, एक साथ सोते थे और अपने भिन्न साथ होते भी अपने खोतों से निकल पड़ते थे और शाम होते ही जो चुनने और जो चुनना होता था खाते और अपने खोतों में आ घुसते थे, फिर आकर अपने थकान मिटाते और सारे दिन के जो देखे सुने में जो हिस्सेदारी थी वो अपनी आपस में वो बांटते थे, यानी एक दूसरे के साथ क्या घटित हुआ है वो आपस में एक दूसरे को सुनाते थे। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फटता है उन पर कपड़ा। एक शाम की बात है कि एक दिन वो गौरैया है, वो गौरे से बोलती है कि देखो आदमी है वो कैसे दिखता है, कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है और कितना फटता है उन पर कपड़ा, कि वह कपड़ा है वह उन पर कितना फटता है। तो स्टूडेंट, अपना यह प्रश्न भी बन रहा है इधर से कि गौरैया है वो गौरे से क्या बोलती है, तो यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे, गौरैया बोली आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फटता है उन पर कपड़ा, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेंगे। एक शाम से लेके और कहाँ तक खिलता है कपड़ा, यहाँ तक कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं, खाक फटता है, गबरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है, लगता है आज गट जीरा चुक गए हो, गौरैया बोल पड़ी। वो
वो कहते हैं, जब घबराइया कहती है कि आदमी पर कितना कपड़ा फटता है, तो घबरा है वो बीच में ही बोलता है तपाक से कि क्या खाक फटता है। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लग जाता है लगता है। तो वो घबराइया बोलती है कि आज लगता है कि लट है वो जीरा चुक गई है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक सो जाती है। गबरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। वो कहता है कि वो जब गबरैया कहती है कि आदमी पर कितना कपड़ा फटता है, तो घबरा है वो बोलता है कि नहीं फकता, कि अगर तू मेरे सामने ऐसे है और तुमने कपड़े नहीं पहन रखे तो तेरे सारे जो खूबसूरती है वो मेरी आंखों में चमक रही है, और जब तू उस पर कपड़े पहन लेगी मनुष्य की तरह तो फिर तेरा जो रंग रूप है वो अधूरा हो जाएगा। केवल कपड़े अच्छा लगने के लिए नहीं, घबरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। वो घबरैया बोलती है कि केवल खूबसूरत दिखने के लिए कपड़े नहीं पहने जाते, मौसम की मार होती है उसकी उससे बचने के लिए भी आदमी कपड़ा पहनता है। जैसे सर्दी के मौसम में हम सर्दी के कपड़े पहनने लग जाते हैं, स्वेटर है और शॉल है तो ये सब, और गर्मी में गर्मी जैसे सूती कपड़े पहनते हैं, तो हम मौसम के अकॉर्डिंग ही पहनते हैं ना, कि मौसम जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग। तो वो बोली केवल सर्दी से केवल उसको खूबसूरत दिखने के लिए भी पहनते, सर्दी उसे मौसम की मार से को झेलने के लिए भी पहने जाते हैं। तू समझती नहीं, घबरा हंसकर बोला, कपड़े पहनकर और जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की उपकार पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। वो तब वह घबरा कहता है कि तू समझती नहीं है, कपड़े जो पहनता है तो जो जाड़ा गर्मी बरसात जो सहने की जो शक्ति होती है वह इंसान में जाती रहती है। तो इस कपड़े में एक लफड़ा ये भी रहता है कि कपड़ा पहनने वाले पहनते हैं उससे आदमी की उपार पता चल जाती है कि किस तरह की उपार का आदमी है। क्योंकि वो अगर हैसियत अमीर आदमी है तो वो भारी कपड़े पहनेगा, और गरीब है तो वो अपने अकॉर्डिंग पहनेगा। तो वो कह रहे हैं कि तू नहीं समझती, कपड़े से है वो आदमी की उपार पता चल जाती है, यानी आदमी की हैसियत है वो कपड़ों से भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, घबरैया बोली, नित नए नए लिबास लगाता रहता है। फिर वो कहती है, घबरैया बोलती है कि फिर भी आदमी है वो कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। लिबास यानी जो पहनावा है, जो पहनने का है वो सिलवाता रहता है, यह मेरा कुंभापन है। घबरा बोला, आदमी को लिबास से फकत लाज ही नहीं भरता, हाथ पे जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने मोजों से ढक लेता है, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे ही भले। यह वो कहता है कि घबरा है बोलता कि मेरा कोमलापन है, आदमी को लिबास से फकत लाज नहीं रखता, कि वो अपनी लाज ही यानी इज्जत को नहीं रखता, उसके लिए वो हाथ पहनने भी क्या है मोजे पहनने लग जाता है, और सिर है उसको भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे भले हैं, कि अपने तो नंगे ही भले हैं। वो केवल अपनी इज्जत के लिए नहीं करता, वो क्या करता है कि अपने हाथ पैर को भी ढक लेता है, सिर को भी ढक लेता है, सिर पे टोपी पहन लेता है, हाथों में मोजे पहन लेता है, पैरों में मोजे पहन लेता है। तो वो कहते हैं कि इसे हम तो नंगे ही भले हैं। उसके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, घबरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। तो लेकिन घबरैया है उसका मन मनुष्य की जो पोशाक है उसको देखकर प्रभावित रहती है। वो तो वो कहती है कि मनुष्य के सिर पर कितनी टोपी अच्छी लगती है, और मेरा मन भी होता है कि मैं भी टोपी पहनूं। टोपी तो पाएगी कहाँ से,
गवरा बोला, टोपी तो आदमी को राजा कहता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उस हद देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान के चक्कर में पड़ हिम्मत, तो वो कहता है, गौरा बोलता है कि टोपी तू पाएगी कहाँ से। टोपी तो आदमी का जो राजा होता है वह टोपी पहनता है, और एक टोपी के लिए कितना टाट उलट जाते हैं, यानी कितने जो राजा महाराजा है और सिंहासन है वो उलट जाती है। जरा सी चूक होने पर क्या होता है कि टोपी उछलते देर नहीं मिल लगती। टोपी उछलना यानी इज्जत का उछलना। तो कहते हैं कि थोड़ी सी भी अगर हमसे भूल हो जाए तो उसे कहते हैं उसकी टोपी उछल गई, यानी इसकी इज्जत है वो उछल गई। तो अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहननी पड़ती है। ये सब इसी की हमारी इज्जत है वो ऐसे की ऐसी बने रहे, इसके लिए वो है क्या करता है कितनों को उसे टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान को तो इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसीलिए सबकी, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। गवरा था कैसा था, थोड़ा सा समझदार था लेकिन वो शक्की था, और गवरी थी वो जिद्दी और धुन की पक्की थी। इसको अंडरलाइन कीजिए कि गवरा और गवरैया कैसी थी। तो गवरा था वो तनिक समझदार था और गवरैया थी वो धुन की पक्की थी। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। ठान लिया सो ठान लिया, इसको उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाहा वही रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिनों दोनों भूरे पर चुनने निकले। ठान लिया सो ठान लिया कि वो कह दिया कि मैंने ठान लिया कि मुझे टोपी पहन लिया, तो मैंने ठान लिया। क्योंकि बताया हमने चैप्टर में बताया गया है कि गवरैया कैसे थी, गवरी का स्वभाव कैसे था, जिद्दी और धुन की पक्की यानी जो उसने ठान लिया ना उसको करके ही दिखाना। जहां चाहा वहां रहा, मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों भूरे पर चुनने निकले। कि जहां चाहा तो कि वहां रहा अपने आप बन जाते हैं, यानी जहां चाहने जैसी जरूरत होती है, हमारी चाहत होती है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना रास्ता है वो खुद बना लेते हैं। तो फिर इसके मुताबिक ही दोनों है वो दाना चुनने के लिए अपने घूरे से निकलते हैं। चुपके चुपके उसे रुई का एक फाल मिल गया। दोनों जब दाना चुनने के लिए निकलते हैं तो उनको चुपते चुपते क्या मिलता है, एक रुई का फाहा मिलता है। मिल गया वह गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। जब उसे गवरैया पर फाहा मिल जाता है रुई का, तो वह खुशी से झूम उठती है और कहती है मिल गया और खुशी से नाचने लगती है। अरे क्या मिल गया, एक गवरैया ने चिल्लाकर पूछा। तो वो गवरा कहता है कि अरे तुझे क्या मिल गया। मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। वो पूछता है गवरा कि तुझे ऐसा क्या मिल गया जो तुझे खुशी में झूम रही है। तो वो कहती है कि मुझे टोपी पाने का जो जुगाड़ है वो मिल गया है। गवरैया ने गवरे के सामने क्या किया, रुई का फाहा था वो रख देती है। वो रुई का जब फाहा मिलता है ना गवरैया को, वो उसके सामने रख देती है गवरे के सामने। तेरे जैसा ही एक अबावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छुटकर मिल गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, अब काम धंधा छोड़ गए बावरा ताउम्र रटता रहा, बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर मुझे कुछ पता नहीं है। तो वो ऐसे वो उसे जो गवरा था वो समझदार रहता है, तो वो उसे समझाता है गवरैया को कि तुझे केवल रुई का फाहा मिला है। तेरे जैसा एक बावरा था
जिसे क्या मिल गया, रास्ते चलते एक चाबुक मिल गया, तो चाबुक मिलने से वो क्या हुआ, खुश हो गया और करने लग गया कि मेरे पास तो तीन चीज बाकी पड़ी है कि घोड़ा, लगाम और जीन, ये मिल जाएंगे लेकिन उसे जिंदगी भर नहीं मिलेगी। और वह ताम उम्र ऐसे ही करते करते गुजर गया। तो मुझे तो केवल रुई का फाहे मिला है, टोपी रुई से फाहे से लेकर जो टोपी तक का जो सफर है वो बहुत ही लंबा है, तू इस चीज को भूल जा। लेकिन वो गमरैया है, वो जिद्दी रहती है अपने स्वभाव से, वो मानती नहीं है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहे लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, दुनिया भैया, दुनिया भैया, इस रुई के फाहे को ढूंढो। फिर भी क्या करती है, वो देखती है कि उसे रुई का फाहा मिल गया। अब वो क्या करती है कि वो सोचती है कि अब इसे टोपी कैसे बनेगी। तो फिर वो उसके चक्कर में एक जो गवरैया है वो रुई का फाहा लेकर एक दुनिया है उसके पास जाती है, जो रुई के ढूंढने का काम करता है ना उसे कहते हैं दुनिया। तो वो उसके पास जाती है और एकदम से उसे मनोहार करके बोलती है, उसको मनाती है कि हे दुनिया भैया, दुनिया भैया, क्या मेरे रुई के फाहे को ढूंढ देगा। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, गवरैया रुई के फाहे को लेकर दुनिया के पास जाती है तो उसे क्या कहती है, तो बड़े मनोहार से बोलती, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए कि रुई भैया मेरे रुई के फाहे को ढूंढ दो। यहाँ तक दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार-तार हो चुकी एक लिज़ई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चांद का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई घुमाने। उज्र न करो भैया, गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उज्जत दूंगी, उसे ढूंढो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। वो बेचारा दुनिया था, वो कैसा था, बूढ़ा था वो, और उस समय जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी जो तार-तार हो चुकी एक निज़ई पड़ी हुई थी जो उसमें चित्र में दिखाया गया है। और वह कांपते हुए बोलता है कि तू जाती नहीं, देखती नहीं कि मैं राजा जी के लिए क्या बनाना, रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का जो राजा है वो पहले ही ऐसा है कि, और ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई घुमाने के लिए, तू चली जा यहाँ से। तो वो कहती है कि मैं जाऊंगी नहीं, इसमें से आधा तू ले लेना और आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी ना मिली थी, 16 आना में 8 आनी मजदूरी तो इसके लिए सपना थी। दुनिया था, उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला था जो ऐसे कहता था कि आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लूंगा। तो वो सोचा कि जैसे 16 पैसे हैं तो 8 मेरे भी और 8 आपके भी, तो वो कह रहा है कि इतनी खरी मजदूरी मुझे आज तक नहीं मिली। और जो उसका सपना, ये उसका सपना था, तो वह उसके लिए झट से तैयार हो गया। घर जो उसकी ताती बजू थी, उसके बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे, इसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। उसने रुई जो ढूंढ कर दी, उसने क्या क्या, फिर जो शर्त के मुताबिक आधा तो उन्होंने ले लिया, इसने जो ढूंढने वाला था बूढ़ा व्यक्ति था, और आधा गवरैया ने ले लिया। इससे उत्साहित गवरा गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट लो। फिर वो किसके पास आते हैं, दूसरा नंबर किसका आता है, कारी का, वो कोरी का, और वो कोरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस धुनी भी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर धसी धसी हो चुका एक भूसा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। तो जो कोरी की जो कमर थी वह झुकी हुई थी और उसने बदन पर एकदम से कपड़े तार-तार हो चुकी थी, वैसे तार-तार हो चुके भूसा डाल रखा था, तो बड़ी अनिच्छा यानी उसकी इच्छा नहीं थी। तो वह उस गवरा गवरे से बोलते हैं कि तुम यहाँ से भागते हो कि नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए क्या तैयार करना है, अचकन के लिए सूट काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की, क्योंकि मल्लार गाने की मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे राजा जी के लिए अचकन के लिए सूट काटने हैं,
तो आप यहाँ से चले जाओ। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए होता है, गवरैया अचरज से बोली। वो गवरैया है वो बोलती है, इस मुल्क मुल्क यानी क्या होता है कि इस देश में ऐसा है क्या कि सारे काम है वो राजा जी के लिए होते हैं, यानी वो किसी साधारण व्यक्ति के लिए काम नहीं होता क्या। गवरैया है वो आश्चर्य से बोली, यानी आश्चर्य हुआ उसे कि मैं पहले उसके दुनिया के पास गई थी, वह भी राजा जी के लिए रजाई तैयार कर रहा था, अब मैं उसके पास कार्य के पास गई तो ये भी राजा के लिए अच्छे के लिए वो सूट कर रहा है। तो ये सारे काम इस देश में राजा के लिए होते हैं क्या, वह बहुत आश्चर्य से बोलती है। भैया तू किस मुल्क से आई है, गोरी ने उसे आंख देखा, जानती नहीं थी यहाँ का चलन, खट मरे बर्था बैठा खाए तुरंत, यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है, राजा जी के लंगे घूंगे भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। वो कहता है कि तू किस मुल्क से आई है, तू किस देश से आई है जो तुझे ये बात पता नहीं है, और उसको एकदम आंखोरी आंखों से सर देखता है, जानती नहीं क्या यहाँ का चलन, कि यहाँ का चलन क्या है कि पहले राजा जी का काम होता है और राजा जी के होने के बाद उसके जो बाशिंदे होते हैं, उसके जो नौकर चाकर होते हैं, उसके जो और कर्मचारी होते हैं उनके लिए भी काम होता है, और लंगो ढंगे उनके लिए कहा गया है, लंगो ढंगे किसके लिए कहा गया है, जो राजा के और जो अन्य कर्मचारी होते हैं जो राजा के नजदीक होते हैं, पहले उनका काम होता है और इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माफी मुआवजा देंगे, गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। वो कहती है कि मुकरो मत, यानी तुमने वादा किया था तो तुम उस अपने वादे से भूलो मत, हम तुम्हें माफी यानी तुम्हें सही जो मुआवजा है तुम्हारा वह देंगे। गवरैया बोली, इसे काट दो, आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लूंगी। यही शर्त किसके पास रखी थी उसके पास रखी थी ना, दुनिया के पास भी यही रखी कि आधा आप ले लो आधा मैं ले लूंगी, और इसी प्रकार की जो शर्त है वो किसके पास सामने रखती है, वो पोरी के पास, कि आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लूंगी। पोरी भी तैयार हो गया, इतनी बाजी मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होती, तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता धैया करने लगी, काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कोरी भी था उसकी बातों से प्रभावित हो गया कि मुझे ही आधा दे रही है तो वह उसके लिए तो वह कह रही है कि इतना अच्छा मुझे मजदूरी मिल रही है, इतनी वाजिब मजदूरी मिल रही है तो काम न करना मूर्खता ही होगी। तो वो कहता है कि लाओ मैं गाद देती हूँ और आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगा। और फिर वह जो है कोरी है वह उसके सूट को काट देती है। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उत्साह दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इसे कते सूत से कपड़ा बुन दो। फिर वो किसके पास जाते हैं, जब ये देखते हैं कि हम कामगारों के पास जा रहे हैं और हमें सहयोग के सहयोग मिल रहा है, तो वो उनका मन है वो क्या हो जाता है, उत्साहित होता है और वो आगे बढ़ते हैं। और फिर किसके पास जाते हैं, एक बुनकर के पास जाते हैं और उसे इसरार करने लगते हैं, यानी उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बुनकर भैया इसे कते सूत से हमें एक कपड़ा बुन दो। बुनकर उन्हें अभिभक्त होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं, यहाँ से देखते ही अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है, अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे, साफ करें भाव को जवाब करें साकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। बुनकर जब देखता है कि जो वो दोनों आए हैं और इसे रिक्वेस्ट करने में लगे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको मना कर देते हैं कि यहाँ से जाओ, आप नहीं देख रहे कि मैं राजा जी के लिए बागा, मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है, और भी थोड़ी देर बाद ही जो राजा जी के कारिंदे हैं यानी राजा जी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर उनका बागा लेने के लिए आ जाएंगे, सो मुझे अपना काम करने दो। यह कहकर वो अपना जो बागा था वह बुनने में मशगूल हो गया। इसे बुन दो भैया, गवरैया ने साहस जो कर कहा,
हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले और आधा हम ले लें, यही शर्त है। वो उसके लिए बुनकर के सामने रखते हैं कि हम ऐसे ही नहीं बनवाते, हम उसके लिए जो आपकी जो मजदूरी होगी वह देंगे, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते कि हम फ्री में काम नहीं करवाते हैं, आप इसे बुन दोगे तो आधा आप ले लेना और आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया, सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना घसा दिया। बुनकर ने जब ये देखा कि सौदा बुरा नहीं है, कि ये आधा मेरे को दे रहे हैं और आधा खुद रख रहे हैं, तो ये सौदा बुरा नहीं है, और वह इसके लिए तैयार हो गया, सूत अपनी ओर से खींचकर ताना बाना पसार दिया और कथा चलने लग गया। उसने उस सूत को क्या किया, खींचकर उसका ताना बाना था वो पसार दिया और उसका कथा था वो चलने लग गया। घर की ढुलकने लगी, थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और तबीज कपड़ा बुन दिया, आधा उसने ले लिया और आधा उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया कि उसने जैसा वो चाहते थे वैसा कपड़ा उनको बुनकर दे दिया, आधा था वो उसने ले लिया था बुनकर ने और आधा ले लिया उन दोनों ने, किसने, गवरैया और गवरैया ने। गवरैया ने 3/4 मंजिल पार ली थी, कपड़ा सिल दिए वह दर्जी के पास पहुंची, दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। फिर वह देखती है कि इसने 3/4 मंजिल तो पार कर ली, यानी कपड़ा है वो बुना भी गया, अब उसको सिलना बाकी है। वो क्या सोचती है कि कपड़े के लिए दर्जी के पास पहुंचती है और दर्जी भैया से कहती है कि दर्जी भैया आप मेरी टोपी सिल दो, खिसकती होगी नहीं यहाँ से। दर्जी रोज से बोला, देखते नहीं राजा जी की सातवीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है, अब इस दर्शन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आंखें भरी, कुछ देना न लेना भर माथे पसीना, वो कहता है कि यहाँ से जाती होगी नहीं। दर्जी एकदम गुस्से से बोलता है, तुम देखते नहीं हो कि राजा जी की सातवीं रानी है, उसकी 9 बेटियों के बाद में बेटा हुआ है, तो मुझे उनके लिए झब्बे सिलने हैं। और उसने अपने माथे का जो पसीना है वो पोंछते हुए ऐसे ठंडी हवा भरता है और कहती है ना तो कुछ लेना ना कुछ देना, और माथे पर पसीना, तो मुझे ना तो कुछ लेना है ना देना है, लेकिन मेरे माथे पर पसीना है। तो स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर का ये इतना भाग पढ़ते हैं, अगला कल पढ़ेंगे। अगर आपके कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है बेटा किसी को? नो मैम। पूछना है क्या? नो मैम। ठीक है, तो आप दोबारा इसको रीड करना और कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।